हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आप लोग में से जितने भी लोग आगरा आए हैं, आप लोग ने शायद सफ़ेद ताज तो देखा होगा जो पूरा संगमरमर का बना हुआ है, लेकिन आप लोग ने ये शायद लाल ताज नहीं देखा होगा। ये भी आगरा में ही है, तो आज मैं इसके बारे में आपको पूरा बताने वाला हूँ, यहाँ की पूरी हिस्ट्री और कैसे कैसे ये बना था, किसने ये बनवाया था, उसके बारे में सारी की सारी जानकारी मैं आपको आज देने वाला हूँ। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो लाल पत्थर से बनी हुई ताजमहल से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती जो इमारत नज़र आ रही है आपको, ये दरअसल कर्नल जॉन हेसिंग का मकबरा है। माधोजी सिंधिया की फौज में भर्ती हुआ एक साधारण सा सिपाही जॉन हेसिंग 5 नवंबर 1739 का जन्मा एक डच नागरिक था। धीरे धीरे वो माधोजी सिंधिया का विश्वास पात्र बनता गया और इसी विश्वास के चलते माधोजी सिंधिया 1792 में उसको अपने साथ पुणे अभियान पर भी लेकर गए थे। 1794 में माधोजी सिंधिया की मौत के बाद हेसिंग वापस आगरा लौट आया और उस समय भी आगरा पर मराठों का ही राज था। 12 मार्च 1795 को करदला के युद्ध में जॉन हेसिंग ने मराठों की तरफ से 3000 सैनिकों की टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए हैदराबाद के निजाम की सेना को हराया था। 1799 में हेसिंग को आगरा के किले की कमांडर की पोस्ट सौंपी गई थी। 1801 में उसने मराठों की तरफ से ब्रिटेन की सेना के विरुद्ध द्वितीय युद्ध यानी कि सेकेंड वॉर में भी भाग लिया था और इसी साल जून के महीने में हेसिंग ने उज्जैन में मराठा सेना की 4 टुकड़ियों का भी नेतृत्व किया था। 21 जुलाई 1803 में आगरा में ही हेसिंग की मृत्यु हो गई थी और दुर्भाग्यवश इसी साल अंग्रेज सेना ने आगरा के किले को छीनकर उस पर अपना कब्जा जमा लिया था। ये हेसिंग का जो मकबरा है, ये एक रोमन कैथोलिक कब्रिस्तान के परिसर के अंदर 11.5 फुट ऊंचे और 58 फीट चौड़े एक प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। इसके अंदर एक तहखाना है जिसमें कर्नल जॉन हेसिंग की असली कब्र मौजूद है। पश्चिम की ओर दोहरी सीढ़ियां हैं और 8 फुट चौड़ा एक चबूतरा है। तो इस इमारत को देखकर ये साफ कहा जा सकता है कि ये मुगल आर्किटेक्चर से काफी ज्यादा प्रभावित है। तो आइए अब मैं आपको कर्नल जॉन हेसिंग की कब्र बिल्कुल पास से दिखा देता हूं। तो ऐसा कहा जाता है कि हेसिंग ने अपनी पत्नी से वादा लिया था कि दोनों में से जिसकी भी मृत्यु पहले होगी, दूसरा उसकी याद में लाल ताज बनवाएगा। तो इस मकबरे के निर्माण की ये खास बात है कि इसका निर्माण जो है किसी भी शाही खजाने से नहीं, बल्कि कर्नल जॉन हेसिंग की पत्नी और उनके बच्चों ने अपनी तरफ से ही करवाया था। ये रोमन कैथोलिक कब्रिस्तान उत्तर भारत का सबसे पुराना कैथोलिक कब्रिस्तान है और यहाँ पर यूरोप और भारत के मशहूर रोमन कैथोलिक शख्सियत और योद्धा सैनिकों की अलग अलग प्रकार की खूबसूरत कब्रें मौजूद हैं। हर साल यहाँ पर नवंबर और दिसंबर के महीनों में देश विदेश से लोग अपनी करीबी लोगों की कब्रों पर मोमबत्ती जलाने आते हैं। तो अब मैं जो आपको कब्र दिखाऊंगा वो यहाँ के तत्कालीन मिलिट्री एंड सिविल गवर्नर विलियम रॉबर्ट सॉमरे की है, जो कि सरधना के जागीरदार और बेगम समरू के पति हुआ करते थे। तो ये वाली जो कब्र है, यहाँ की सबसे पुरानी कब्र है और जिनकी ये कब्र है, इनका नाम है जॉन मिल्डन हॉल। तो ये एक ब्रिटिशर थे और यहाँ इंडिया में जो है हमारे 2 बार ये आए थे। तो पहली बार ये आए थे अकबर के टाइम में और दूसरी बार ये आए थे जहांगीर के टाइम पे। और मैंने विकिपीडिया और बाकी कई सारे आर्टिकल्स में इनके बारे में पढ़ा और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि विकिपीडिया के अंदर में भी इनके बारे में पूरा मेंशनड है और यहाँ पे जो सेम जो टेक्स्ट है जो इनके ब्यूरियल पे लिखा हुआ है वो यहाँ पे भी मेंशनड है।
तो इस बार आप जब भी आगरा आएं तो शाहजहां और मुमताज की मोहब्बत की निशानी ताजमहल के साथ थोड़ा समय इन लाल पत्थर के इश्क में डूबे इस मकबरे के लिए भी निकालना ना भूलिएगा, क्योंकि एक आम इंसान के सपनों सा ताजमहल है और ना ही इसको देखने के लिए कोई लाइन में खड़ा होना पड़ता है और ना ही कोई टिकट लेना पड़ता है इसके लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे साथ ये लाल ताज घूमकर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये जो सामने में आप देख रहे हैं ये भगवान टॉकीज चौराहा है आगरा का, और आप जैसे ही इस पे एमजी रोड की तरफ चलेंगे आपको पहला लेफ्ट टर्न लेना है, और लेफ्ट टर्न लेते ही आपको सामने में दिखाई दी जाएगा लाल ताज का गेट यहीं पे है, और इसको हम हेसिंग्स टूम नाम से भी जानते हैं।